गाइस के आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी बंदे को मारते हो तो भाई घूम के जो है वो बंदा आपको ही मार देता है, या फिर जो है आप किसी बंदे से 1v1 लेते हो तो सामने वाला बंदा आपको अच्छी मूवमेंट देके सारी बुलेट जो है डोज करवा देता है और उसकी बुलेट जो है आपको सारी कनेक्ट हो जाती है और आप जो है नोक हो जाते हो। अगर गाइस आपके साथ भी ऐसा होता है ना तो आज की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि वीडियो में कुछ सीक्रेट टिप्स एंड सीक्रेट सेटिंग बताने वाला हूँ जिनसे भाई आपका एम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो गाइस देखो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि वीडियो में हम एम असिस्ट जिगल क्रॉस हेयर सब के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड गाइस देखो जो बंदा भी चैनल पर नया है ना वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना, लाइक कर देना वीडियो को। बाकी यार गाइस देखो तुम प्यारे प्यारे कमेंट जो करते हो ना वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो कमेंट्स भी कर देना। बाकी यार गाइस देखो वीडियो को करते स्टार्ट। सो गाइस फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे हम आपके क्रॉस हेयर और ब्लड इफेक्ट के बारे में। अभी गाइस देखो आपका ब्लड इफेक्ट जो है येलो से ग्रीन है ना, तो भाई उसको येलो कर देना है, क्योंकि गाइस देखो येलो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है और ग्रीन जो है ना भाई मिक्सअप हो जाता है कलर में, तो आपको एम करने में ना उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और क्रॉस हेयर है ना अगर आपका वाइट है या फिर कोई सा और कलर है तो उसको आपको रेड कर देना है। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। तो गाइस देखो आपका जो ग्रीन इफेक्ट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है, और जैसे ही आप बंदों को मारोगे ना तो उस पर पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके क्रॉस हेयर को ढूंढने पर। बट वहीं पर गाइस अगर आप येलो कलर यूज़ करोगे ना तो येलो कलर जो है काफ़ी लाइट होता है, तो भाई उसमें आपका क्रॉस हेयर जो है अलग से ही दिखने वाला है, और क्रॉस हेयर अलग से दिखेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान होगा बंदे पे एम करने में। एंड अब बात करते हैं गाइस क्रॉस हेयर की, तो क्रॉस हेयर जो है वाइट रखोगे ना तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है कलर्स में, बट वहीं पे अगर आप रेड रखोगे ना तो भाई रेड कलर जो है उभर के दिखता है, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी आपके क्रॉस हेयर को क्लोज रेंज में फाइट लेते टाइम देखने में। तो गाइस आपको क्रॉस हेयर को भी रेड रखना है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी बंदों पर एम करने में। एंड गाइज अभी बात करते हैं आपको अपना एम असिस्ट जो है इनेबल रखना है या फिर डिसेबल रखना है। अभी गाइज मैं आपको बताता हूँ आपको अपने हिसाब से रखना है। जैसे कि गाइज अगर आप BGMI के ई स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हो ना तो भाई इसको डिसेबल करके भूल जाना है, लेकिन गाइज अगर आप क्लासिक खेलते हो सिर्फ केडी वेडी बढ़ाना है या फिर जो है यूट्यूब में इंटरेस्टेड हो यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है तो आपको क्या करना है आपको इसको हमेशा इनेबल करके रखना है, क्योंकि गाइज ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एम करने में। लेकिन गाइज अगर आप क्रॉस हेयर जो है हमेशा हेड पे रखते हो और बंदों को हेडशॉट इजीली मार देते हो ना तो आपको फिर इसको डबल से डिसेबल कर देना है, मतलब इसको डिसेबल ही रखना है फिर आपको। आप क्लासिक खेलते हो तो भी डिसेबल ही रखना है, क्योंकि गाइज अगर आपका हेड पे एम रखने की आदत है तो गाइज देखो एम असिस्ट क्या करता है ना, आप जैसे ही बंदे को हेडशॉट दोगे ना तो आपका जो है एम बॉडी की तरफ जाएगा, लेकिन आप उसे डिसेबल कर दोगे ना तो आप जैसे ही बंदे को हेडशॉट दोगे तो आपका एम वहीं का वहीं रहने वाला है, तो आप उसको एक हेडशॉट की बजाय 2 से 3 हेडशॉट दे सकते हो, तो आपका एम अच्छा है ना तो भाई आपको उसको डिसेबल रखना है जिससे आपको गोल्ड लेवल एम आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो है आपको अपने हिसाब से एम असिस्ट सेट कर लेना है। सो गाइज अभी बात करते हैं आपको अपने अच्छे एम के लिए कितनी सेंसिटिविटी रखनी है। सो गाइज काफ़ी ज़्यादा बंदे क्या गलती करते हैं ना सेंसिटिविटी जमाते टाइम, कि उनकी सेंसिटिविटी जो है ना आप काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है, मतलब जायरोस्कोप की थर्ड पर्सन नो स्कोप 400 350 कुछ इस तरीके से वो रखते हैं। तो इससे क्या होता है ना भाई जैसे ही आप बंदे पे एम करोगे ना तो भाई आपको एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, हेडशॉट मारोगे ना तो एम कहीं जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। एंड आपको सेम चीज़ रेड डॉट के साथ भी देखने को मिलेगी, अगर आपकी सेंसिटिविटी 400 है 350 है तो भाई आप जैसे ही बंदों पर स्प्रे दोगे ना रेड डॉट से तो भाई आपका स्प्रे कहाँ जाएगा, मतलब आपकी एक्यूरेसी जो है इतनी अच्छी नहीं रहेगी, एम अच्छा हो जाएगा बट एक्यूरेसी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो गाइज उसके लिए भी आपको क्या करना है मिड सेंसिटिविटी रखनी है, मतलब आपको क्या करना है हमेशा 290 से 310 की सेंसिटिविटी के बीच में आपको सेंसिटिविटी रखनी है जायरोस्कोप की रेड डॉट की और थर्ड पर्सन नो स्कोप की। एंड नॉन जायरो प्लेयर हो ना तो आपको हाई सेंसिटिविटी नहीं यूज़ करनी, मीडियम सेंसिटिविटी यूज़ करनी है, इससे जो है आपको एम काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। एंड गाइस अभी बात करते हैं आपको किस तरीके से जो है जिगल देना है जिससे भाई आपका एम जो है ना प्रॉपर बंदों को लगे और भाई जो है आपकी जो मूवमेंट है ना वो ऐसी हो कि भाई आप सारी बुलेट जो है डोज करवा पाए। सो गाइज आपको क्या करना है ना जिगल बिल्कुल सेंटर टू सेंटर देना है, जैसे मेरा जिगल देख रहे हो ना आप, बिल्कुल मैं जॉयस्टिक के बीच में से जॉयस्टिक जो है लेफ्ट राइट ले जा रहा हूँ। बट यहाँ पे काफ़ी बंदे क्या गलती करते हैं ना कुछ इस तरीके से जिगल देते हैं, बंदा मतलब पीछे आता जाता रहता है, मतलब ये जिगल नहीं भाई काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाता है ट्रिक, और कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे वाला जिगल देते, तो मतलब ये वाला जिगल आपको नहीं देना है, आपको ना
सिंपली भाई बीचों बीच से जिगल देना है जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ। इससे भाई आपको मूवमेंट जो ऐसी मिलेगी ना कि किसी से भाई ट्रेक नहीं कर पाएगा कोई बंदा आपको। और इसकी जगह पे भाई वो बेकार सा जिगल आप दोगे ना नीचे साइड वाला या फिर ऊपर नीचे वाला, तो भाई कोई भी बंदा है ना आपको इजिली ट्रेक कर लेगा। एंड गाइज आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी भाई आप मिड रेंज में फाइट ले रहे हो, एडीएस फाइट ले रहे हो, स्प्रे दे रहे हो, तो भाई आपको क्या करना है, हल्का हल्का जिगल देना है स्प्रे देते टाइम। इससे क्या होगा ना भाई आपका एम जो है ना बंदे के हेड पे शिफ्ट होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा हेड मार पाओगे बंदों को इस चीज़ को यूज़ करके। तो गाइस देखो आप कोई सा भी स्कोप यूज़ कर रहे हो, आपके मिड रेंज में कोई बंदा है ना तो वहाँ पे आपको हमेशा जिगल देना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको हेडशॉट कनेक्ट कर पाओगे। एंड हाँ गाइस आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है भाई, काफ़ी ज़्यादा बंदे गलती क्या करते हैं ना भाई, ओवर व्यू के चक्कर में ना अपना क्रॉस हेयर जो है ना वो नीचे रखते हैं, मतलब ज़मीन पर लेके चलते ताकि ये जो सामने वाला व्यू दिख रहा है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिले। तो गाइस आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको क्या करना है, जहाँ पे मैंने अपना क्रॉस हेयर प्लेस किया ना यहाँ पे आपको अपना क्रॉस हेयर हमेशा रखना है, जैसे कि इतनी हाइट पे जो आपको अपना क्रॉस हेयर रखना है मेरे हेड के थोड़े से ऊपर, अपने जो बंदा होता है ना आपका उसके हेड के थोड़े से ऊपर रखना है। इससे क्या होगा ना आपके सामने जैसे ही बंदा आएगा ना तो आपके जो हेडशॉट कनेक्ट होने वाले बंदे को, तो मतलब भाई ये चीज़ सीख जाओगे ना तो फटाक से एम असिस्ट ऑफ कर लेना, फिर देखना भाई आप बंदे को हेडशॉट पे हेडशॉट चिपकाने वाले हो। तो गाइस देखो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मतलब सारी कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक थी ना तुम्हारे भाई ने दे दी तुम्हें। तो मतलब वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना, कमेंट जरूर से कर देना। बाकी यार गाइस देखो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, लव यू गाइस।